पार्टी में पेट्रोल 119.03 व डीजल 101.97 पैसे हुआ महंगा, आम लोग व किसान हुए परेशान। पार्टी महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। 22 अप्रैल से प्रतिदिन दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इसी क्रम में आज मंगलवार को भी पेट्रोल में 88 पैसे और डीजल में 83 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार मंगलवार को पेट्रोल 119.03 व डीजल 101.97 पैसे बिका। 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि अभी भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर खासा असर पड़ सकता है। उपभोक्ता गंगाराम अलावे ने बताया कि पेट्रोल व डीजल के भाव रोज बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। हम किसान लोग हैं, 40 से 50 रुपए का पेट्रोल डलाकर काम चलाते हैं, जो कि खेत में जाकर वापस आने में ही खत्म हो जाता है। बड़े दामों से कई तरह की समस्या आ रही है, जिसे अतिरिक्त भार झेलना पड़ रहा। गंगाराम अलावे, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे, क्या क्या समस्या? पेट्रोल डीजल के तो सर भाव पूछो मत, ये 10-12 पिछले 10-12 दिनों से लगातार बढ़ रहा है पेट्रोल का, जबकि कम होना चाहिए। ये तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आज भी 88 रुपये पेट्रोल के भाव बढ़ गए, 83 रुपये डीजल का भाव बढ़ गए। हम तो बेरोजगार और किसान हैं, तो हमारे पास क्या है, हम 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये का पेट्रोल जलाता है, तो उसमें तो खेत में गए ना वापस आना या घर से वापस गए तो एक बार में ख़त्म हो जाता है। तो व्यक्ति को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पेट्रोल कम होना चाहिए, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इससे परेशान हो रहे हैं बेरोजगार लोग, परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल के तो दाम साथ साथ में ये महंगाई का मार भी है, खाने की चीज़ों के उसके दाम भी बढ़ रहे हैं, जैसे तेल हो गया है, दाल हो गए, इसका भी ज़्यादा रेट बढ़ता जा रहा है। खास करके पेट्रोल जो किसान है, जो मजदूर जाते बेचारे गाड़ी लेके जाते हैं, टाइम पे घर आ जाएंगे करके, उनको तो दोहरा मार पड़ रहा है। पेट्रोल तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, वो 200 रुपये की मजदूरी करेगा और 119 रुपये का आज पेट्रोल डलाएगा, तो फिर उसके पास बचता क्या है बेचारा, परिवार कैसा चलाएगा? वो मजदूरी करने जाता है तो पेट्रोल डीजल में ही उसका खर्चा हो जाता है, जबकि वो घर से निकल कर आता है गांव में, शहर में आता है, वहाँ से फिर बस में बैठ के दूसरे जगह काम पे जाता है, तो उसको तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किराए बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसको सरकार रोकना चाहिए, जबकि दिनों दिन ये पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम तो महंगाई के खिलाफ है। जैसे पेट्रोल आज दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग क्या करेगा मजदूर, उसको तो मजदूरी करने जाना है तो पेट्रोल डला के जाना है, किसान को काम के लिए जाना है, किसी की चीज़ को लेने के लिए जाना है तो पेट्रोल डला के जाना है। तो ये पिछले 10-12 दिनों से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी इस पर गंभीर विचार किया जाए और दामों को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए।